दौरभ कहने लगे, माँ आज भर का हमारा तुम्हारा मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा मिलन आज भर आवाज लगाई है बेटा। आप बन को जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी मेरे लाल। हो 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 मुकद्दर में थी ये मुलाकात अपनी मुकद्दर में थी ये मुलाकात अपनी रोते गाते बीत गई ये रात अपनी मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा दौरभ ने कहा, मैया अब तुम लौट जाओ, हम भगवान की गोदी में बैठ करके आऊंगा। मैं प्रण करता हूँ माँ, मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ के जरूर आऊंगा। परीक्षित जी दौरभ कहते हैं, जो अपनी बात पर अटल हो जाए। दौरभ बन को चलने के लिए तैयार होते हैं। उत्तान पाद को पता चला है, आवाज लगाई प्रजा के लोगों, सुन रहे हो ना, मेरा दौरभ बन को जा रहा है। बन में जा रहा है, मेरा दौरभ बन को जा रहा है। आज्ञा दो, मेरे पुत्र को वापस लौटा लो, वापस मेरे पुत्र से कह दो आज से शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी मिलेगी और एक सुंदर सा महल दिया जाएगा। अच्छा, हाँ जी महाराज, अभी वापस कर लेते बेटा ध्रुव। हाँ हाँ, आज से आपको सुंदर भोजन मिलेंगे, शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी और सुंदर सुंदर भोजन मिलेंगे, चलो वापस चलो। ध्रुव ने परीक्षित जी आवाज लगाई है, भैया मैं लौटने वाला नहीं हूँ। लौटोगे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूँ। चाहे मेरे
मुझे शुद्ध गेहूं की आटे की रोटी मिले, चाहे मुझे सुंदर सा मेहर मिले, मैं लौटने वाला नहीं हूं। ध्रुव ने परिचय जी विचार किया है, अभी तक तो शुद्ध गेहूं की आटे की रोटी नहीं मिली, जब भगवान का नाम लिया तो कितने सुख भगवान ने दे दी है? अभी तो घर से निकलू ना पाए, शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी मेल मिलने लगा, और भगवान की गोदी में जब बैठ जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। ए भैया लौट जाओ यहाँ से, हमारे पिता से कह देना नहीं चाहिए तुम्हारी जागीर। अच्छा नहीं ठीक है ना, नहीं जाओगे? नहीं तो फिर निकल लो। परिचय मना कर रहे हैं, वो तो मेरे ध्रुव से कह दो, मेरे ध्रुव को वापस कर लो, अगर मेरा ध्रुव वन में चला गया तो मेरा अपमान हो जाएगा, आज से मेरा ध्रुव पूरे राज्य का मालिक ध्रुव बनेगा। ये हो बेटा, ध्रुव को परिचय जी बहुत समझाया, बोले पूरी राज्य के तुम मालिक हो। तो ध्रुव बोले नहीं चाहिए पिताजी तुम्हारा राज, नहीं चाहिए तुम्हारी ये दौलत, नहीं चाहिए ये तुम्हारी जागीर। और याद रखना प्यारे, जिन्होंने माया का त्याग किया है उन्हीं को भगवान के दर्शन हुए हैं। एक नहीं परिचय जी, ऐसे ही मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था, नरसी ने अपनी धन दौलत भैया विक्रम को दे दी थी, तो भगवान ने भात भरवाया। मीरा ने परिचय जी सब कुछ छोड़ दिया था, राणा ने मीरा से कहा था कि हे मीरा, अगर तू उस कन्हैया का नाम लेगी तो रहने के लिए महल और खाने के लिए तुझे भोजन नहीं दूंगा। तो मीरा ने कहा था, ओरे राणा तू खाने और रहने की धमकी दे रहा है, अरे मेरा इस चित्तौड़ में है ही क्या। और मीरा ने कहा, सोए भाग जगे ये हो ए राणा। और राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में लोग धीरे धीरे ताली बजाएंगे, और ताली बजाते हुए बोले, ओ घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, अपने कन्हैया को उसमें बिठाऊंगी, अपने कन्हैया को उसमें बिठाऊंगी, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
मीरा ने परीक्षक जी ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया था। महाराज उसी समय आज ध्रुव जो है 5 बरस की अवस्था में परीक्षक जी अयोध्या नगरी का राज्य छोड़ देते हैं।